हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करूंगा वो है एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड। एमबीबीएस अब्रॉड में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या बहुत ही डाउट है कई सारे स्टूडेंट्स को, या कई सारे बच्चे जब फ़ोन करते हैं तो उनकी जो क्वेरी कुछ उस तरीके से होती है, उसको लेकर के ही आज हमने यह वीडियो बनाया है। तो हमने दो कंट्री को कंपेयर किया है, उस दो कंट्री का जो स्टडी मॉड्यूल है उसको समझने की ज़रूरत है। तो हमने जो दो कंट्री कंसीडर किया है वो है रशिया और चाइना। तो रशिया वर्सेस चाइना के एमबीबीएस अब्रॉड के पैटर्न को आज समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कई सारे वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन से कंट्री जाना है, कौन से कंट्री नहीं जाना है, तो रशिया और चाइना दोनों के लिए हमारा रिकमेंडेशन यस है, आप इन दोनों कंट्री को एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किस तरह की यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन एक कई सारे बच्चों का आता है, जब वो फ़ोन करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि चाइना के अंदर में वो इसलिए नहीं जाना चाहते जहाँ पे वो लैंग्वेज का एक बैरियर है, वो लैंग्वेज को लेकर के, चाइनीज़ लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम आती है। रशिया में इसलिए प्रेफर कर लेते हैं क्योंकि उनको बताया जाता है कि रशियन इज ए ईजी लैंग्वेज, तो उसको सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ इस तरह के मिसकंसेप्शन है जिसको लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। आइए समझते हैं सबसे पहले रशिया के यूनिवर्सिटी को और चाइना के यूनिवर्सिटी को। दोनों के अंदर में, रशिया के अंदर में जो प्रोग्राम है एमबीबीएस का, वो 6+1 ईयर का है। 6 ईयर एमबीबीएस इन रशिया एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इन इंडिया आफ्टर पासिंग एमसीआई टेस्ट। उसी तरीके से जो चाइना का एमबीबीएस प्रोग्राम है, दैट इज 5 ईयर्स इन चाइना प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप इधर इन चाइना या फिर इंडिया से आकर के कर सकते हैं। तो यह कोर्स ड्यूरेशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि चाइना में 1 साल कम लग रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे रशिया जाते हैं और बहुत लार्ज नंबर पे, लार्ज स्केल पे जाते हैं, लेकिन राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, उसको समझते हैं। इंटरनेशनल कैंपस चाइना के अंदर में भी है और इंटरनेशनल कैंपस रशिया के अंदर में है, जिसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होता है। चाइना के अंदर में 45 इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब कि 100% यूनिवर्सिटी वहाँ पर इंग्लिश टॉट है। और रशिया के अंदर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें 30% यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टॉट है, और रेस्ट 70% यूनिवर्सिटी जो है वो बाईलिंगुअल है। बाईलिंगुअल का मतलब होता है कि लगभग 3 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो आपको पूरा का पूरा रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और 3 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो तरह के जो है वो कोर्स स्ट्रक्चर आ गया, एक आ गया इंग्लिश टॉट वाला और दूसरा आ गया रशियन प्लस इंग्लिश मिक्स करके। अब कुछ इसको ऐसे समझते हैं, जो इंग्लिश टॉट कैंपस है चाइना के अंदर में, उसका जो कोर्स प्रोग्राम है वो फर्स्ट ईयर से लेकर के फिफ्थ ईयर तक पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, किसी भी ईयर में आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी सब्जेक्ट्स आपको इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वहाँ पर एक एडिशनल आपको चाइनीज लैंग्वेज सिखाया जाता है, जिसके 6 लेवल होते हैं, लेकिन HSK level 1, HSK level 2, HSK level 3, HSK level 4 तक आपको चाइना के यूनिवर्सिटीज़ में, इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पढ़ाई जाती है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका पूरा कोर्स जो है वो इंग्लिश में है। एडिशनली एक लैंग्वेज आपको इसलिए सिखाया जाता है कि थर्ड ईयर के बाद जब आप OPD वगैरह में जाते हो या पेशेंट इंटरेक्शन करते हो, तो जब तक उसके प्रॉब्लम को, उसके लैंग्वेज को समझोगे नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि चाइना के अंदर में हर कोई इंग्लिश में बात करे, तो वहां पर जब तक इस प्रॉब्लम को समझोगे नहीं चाइनीज, इसीलिए आपको सीखना मैंडेटरी होता है। और जो HSK लेवल है वो वहाँ पे 4th लेवल तक ही आपको सीखना होता है। 5th और 6th लेवल वो सीखते हैं जो स्पीकर्स होते हैं या फिर राइटर्स होते हैं चाइनीज़ वगैरह में। वो HSK 1 में आपको लगभग 150 वर्ड्स, HSK 2 के अंदर में सेकेंड ईयर पढ़ाया जाता है उसके अंदर में लगभग 300 वर्ड्स, HSK 4 में आपको 500 वर्ड्स, इस तरीके से वोकेबुलरी वर्ड्स आपको सीखने पड़ते हैं जस्ट फॉर द इंटरेक्शन एंड टू इम्प्रूव योर बेसिक चाइनीज़ लैंग्वेज। तो यह हो गया इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चाइना का जो कोर्स करिकुलम है। उसी तरीके से रशिया के जो इंग्लिश टॉट कैंपस हैं, रशिया में भी जो इंग्लिश टॉट कैंपस है वहां पर पूरा का पूरा कोर्स ड्यूरेशन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है।
वहाँ पर कोई उसके अंदर में मिक्सअप नहीं है इंग्लिश टॉट कैंपस में रशियन का, लेकिन साथ में जैसे चाइना में एडिशनल आपको चाइनीज सिखाई जा रही थी, उसी तरीके से रशिया के इंग्लिश टॉट वाले में भी आपको एडिशनली रशियन लैंग्वेज के जो लेवल्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो रशिया में जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही कम है, और वहाँ पर इंग्लिश सिलेबस के साथ जो एडिशनल रशियन लैंग्वेज है वो पढ़ाया जाता है, उसका एक आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे चाइना के अंदर में एडिशनल लैंग्वेज का आपको बेनिफिट मिलता है। जो कन्फ्यूज़न है वो यह है कि जो रशियन बाईलिंगुअल प्रोग्राम है, जैसे अभी चाइना के अंदर में बाईलिंगुअल प्रोग्राम को बैंड कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, इसलिए हो सकता है कि आने वाले 2-3 सालों में रशिया के अंदर में भी यह स्टेप MCI या फिर वहाँ की गवर्नमेंट मिलकर के ले सकती है, ठीक है। तो खैर इस ये तो बाद की बात है, फिलहाल आपको ये समझना है कि जो बाईलिंगुअल प्रोग्राम है, जो 70% यूनिवर्सिटीज वहाँ पे बाईलिंगुअल यूनिवर्सिटीज हैं रशिया के अंदर में, उसमें 3 साल जो रशियन में पढ़ना है, 3 ईयर्स में पूरा आधा सिलेबस जो आपको रशियन में पढ़ना है, दैट इज अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है एक्चुअली में। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना कि रशिया के अंदर में, जैसे तो कई लोग जो आपको रशिया भेजते हैं वो आपको यह बताते हैं कि रशियन लैंग्वेज जो है इजी होता है, चाइनीज लैंग्वेज टफ होता है, लेकिन वो यह बात आपसे छुपा लेते हैं कि जो रशियन लैंग्वेज है वो आपको बाइलिंगुअल वाले 3 साल मेडिसिन रशियन में पढ़ना होता है, और यह डिफरेंस नहीं बताते कि इंग्लिश टॉट चाइनीज में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना होता है, एडिशनल वो जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रशिया के इंग्लिश टॉट में एडिशनल कम्युनिकेशन के लिए सिखाया जाता है। तो चाइना की और रशिया की जो इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज है दे आर वेरी गुड, उसमें आपको एडमिशन्स लेने चाहिए। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी चाहे वो चाइना की हो, चाहे वो रशिया की हो, चाहे वो किसी भी कंट्री को हो, उसको हमेशा अवॉइड करके चलना चाहिए। वैसे चाइना में तो अब बैंड ही हो गया है तो उसमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन कई सारे लोग अगर आपको उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करें तो उसके लिए आपको वहाँ पर एडमिशन्स नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आपको यह जो लैंग्वेज का एक जो प्रॉब्लम था या जो इशू होता था चाइना और रशिया को लेकर के, उसके कंसेप्शन क्लियर हो गया। बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में जैसे एक एग्जांपल बता दें, वहाँ पर मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी है, कई लोग इंडिया में इसको इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटी बताते हैं, इस तरह की कई सारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है। और जो लैंग्वेज जब आपको कोई भी पढ़ाया जाता है तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ईजी होता है, जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है वहाँ पर, जैसे क्या है कि आपको जो लैंग्वेज सिखाए जा रहे हैं एडिशनली, चाहे वो बाइलिंगुअल वाले में हो, चाहे इंग्लिश टॉट वाले में हो, चाहे रशिया के अंदर हो, चाइनीज के अंदर हो, तो वहाँ पर उसके टेस्ट आपको देने पड़ते हैं 4th ईयर में आकर के, और उसको पास करना पड़ता है। ऑन द रिकॉर्ड 100 के 100 बच्चे, चाहे वो चाइनीज बच्चे हो, चाहे वो रशियन बच्चे हो, वो सारे वो लैंग्वेज कवर कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी, मतलब वो उसको कोई एक इशू ही नहीं है जिसको आप समझते हो। यह इशू एक्चुअली चाइना के अंदर में जो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन प्रोग्राम होती है उसके अंदर है, जहां पर 5 ईयर्स पूरा का पूरा चाइनीज के अंदर में पढ़ाया जाता है। रशिया के अंदर में बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी के अंदर में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंसल्टेंट और एजेंट आपको यहां पर गाइड करते हैं वो इसी तरीके से आधी अधूरी नॉलेज देकर के आपको ट्रैप करते हैं, तो आप उनसे बच करके रहिए। और यह कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपको अगर साउथ के तमिलनाडु स्टेट्स में अगर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो वहाँ पर जब पेशेंट इंटरेक्शन करेंगे तो पेशेंट हिंदी थोड़ी ना बोलेगा, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत तमिल आपको आनी चाहिए जस्ट फॉर द इंटरेक्शन विद द पेशेंट। तो दिस इज नॉट अ मेजर इशू। प्रॉब्लम कब आती है, जब पूरा का पूरा लैंग्वेज या आगे 3 साल आपको वहाँ पर तमिल में पढ़ाया जाता है पूरा मेडिसिन, तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। इस चीज़ को समझने की जरूरत है आपको। इंग्लिश टॉट कैंपस में होल सिलेबस इंग्लिश में है, एडिशनली इफ यू आर टॉट वन ट्रेडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम देयर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा रशिया चाइना में एडमिशन को लेकर के। इफ यू वॉन्ट एनी लेटेस्ट अपडेट्स, यू हैव एनी क्वेरीज, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फोन के द्वारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑल्सो टू info@mycareerparsala.com। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, फॉर जस्ट फॉर योर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन अपकमिंग अब्रॉड सीरीज। Till then, keep liking, keep subscribing and keep smiling. Thank you so much.